आगे आने वाली कुछ एग्जाम्स है उसके डेट जो है आपके एसएससी के द्वारा आपके जारी कर दिए गए हैं, तो आप सब लोगों को भी पता लगना चाहिए। आप सब लोगों को पता है ये चीज, जो चीज मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसएससी के द्वारा पहले ही आपके कैलेंडर जारी कर दिया गया और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके इम्पोर्टेंट नोटिस आपके बताए गए हैं। और इसमें क्या बताना चाह रहा है आपके एसएससी, ये बताना चाह रहा है कि द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन इन मई जून एंड जुलाई 2023 एज पर द गिवन शेड्यूल। आप सब लोगों को पता है, तो मैं एक एक करके एग्जाम का डेट वो बता देता हूं कि ताकि आप सब लोगों को पता हो अच्छे तरीके से। तो पहला आपका पेपर आ जाता है एमटीएस, जो अभी सबसे नजदीक आप सब लोगों के है, तो नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 एमटीएस के बारे में बात करें तो ये कब से शुरू हो रहा है भाई, तो ये आपके शुरू हो रहा है 2 मई 2023 से 19 मई 2023 तक। फिर जो इसका दूसरा चरण आपके शुरू होगा 13 जून 2023 से लेकर के 20 जून 2023 तक होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो एमटीएस का जो पेपर है वो आपको मई में भी होगा, वो आपका जून में भी होगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टायर टू, किसका भाई, तो जिसका टायर वन हुआ है उसका टायर टू होगा, किसका होगा, तो दिल्ली पुलिस में और सीएपीएफ में, जो आपके 2022 की जो सब इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी थी, सीएपीएफ एसआई जिसको दिल्ली पुलिस एसआई सीएपीएफ एसआई बोलते हैं, 2 मई 2023 को उसका आपका क्या होगा, टायर टू का पेपर होगा, उसका आपका मेंस होगा, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीएचएसएल, सीएचएसएल का टायर वन हो गया है आप सब लोगों को पता है, तो सीएचएसएल का टायर वन हो गया आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी है। अब सीएचएसएल का टायर टू होगा, टायर टू कब होगा सीएचएसएल का, तो 26 जून 2023 को सीएचएसएल का टायर टू होगा। उसके बाद आप सब लोगों ने सिलेक्शन फेज जो 11 है उसके लिए भी आपने फॉर्म आपके भरा होगा और वो आपके 27 जून 2023 से लेकर के 30 जून 2023 तक उसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी आप सब लोगों ने एसएससी सीजीएल के पेपर को देखा होगा और मेंस का पेपर जो हुआ था उसको मैंने डिस्कशन भी किया था। अब सीजीएल का जो टायर वन फिर से आपका होने जा रहा है, तो सीजीएल का जो टायर वन है आपके वो 14 जुलाई 2023 से शुरू होगा और 27 जुलाई 2023 तक आपके पेपर होंगे। तो ये आपके 3-4 पेपर आप सब लोगों को मैंने बता ही दिया है। मल्टीटास्किंग एमटीएस का पेपर मई जून जुलाई वाले महीने में, यानी आपके मई और जून में होगा। उसके बाद एसआई में जो टायर टू है वो आपके जुलाई में होगा, सॉरी वो आपके कब होगा भाई, तो वो आपके मई में होगा। फिर उसके बाद हम सीजीएल अगर हम बात करें तो सीजीएल के पहले सीएचएसएल के पेपर के बारे में बात करें तो सीएचएसएल का टायर टू आपके 26 जून को आपका होगा। फिर उसके बाद जो फेस 11 वाला पेपर है वो 27 आपके जून से शुरू होगा, 30 जून तक होगा। और सीजीएल का टायर जो वन है उसका जो पेपर है आपको याद रखना है वो 14 जुलाई से शुरू होगा और आपके 27 जुलाई तक होगा। और इसके लिए कुछ नया आपको नहीं करना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और ना कहीं एक रुपये का कोर्स खरीदना है, ना ही कहीं पे जाकर के अपना वक्त आपका बर्बाद करना है और ना ही किसी दूसरे के बहकावे में आना है। अलग बात है कि मेरे कितने भी समझाने पे अगर आपको बर्बाद करना होगा अपना समय तो बिल्कुल आप करोगे, लेकिन इन सब के लिए प्रॉपर तरीके से आपके जीके जीएस भाई प्रबल सर यूट्यूब चैनल पे सारी प्रॉपर तरीके से मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, करेंट अफेयर की, स्टैटिक जीके की सारी क्लासेस चल रही है। और अगर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो पूरी प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप आराम से इस क्लास को ले सकते हैं और मन लगा करके पढ़ सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पे और हमें डाउट है भाई, तो कमर कस लीजिए, मौका है आपके पास बहुत ही जबरदस्त। इन 3 महीनों में ये पेपर आपके होने हैं जो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।